हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का मीनिंग बताया किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। क्लियर? अब देखिए, चार्ज स्टोर क्यों करना पड़ता है ये भी मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। एक स्पेशली हर जगह पे हम वो कंडक्टर कोई वायर या इस तरह का यूज कर नहीं सकते। एक स्पेशली डिजाइन एक ऐसा डिवाइस, एक अपरेटस ऐसा बना दिया जो चार्ज को स्टोर किए हुए रखेगा। जहां पे जरूरत पड़ेगी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको हम कनेक्ट कर देंगे और वहां से वो एडिशनल चार्ज हमें मिल जाएगा। तो वो डिवाइस क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे। आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्या है कैपेसिटर, कैसा होता है कैपेसिटर और कहां पे यूज होता है और क्या इसका प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग है, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। कैपेसिटर जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को भी स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैपेसिटर को हम क्या डिफाइन करेंगे, ये एक तरह से डिवाइस है और कहेंगे द स्पेशल अरेंजमेंट टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। एज वेल एज जब चार्ज स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो मैंने यहां डेफिनेशन लिखी द डिवाइस और अरेंजमेंट टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस इज नोन एज कैपेसिटर और कंडेंसर। हम जब घर में पानी वाली मोटर है या हमारा इलेक्ट्रिकल फैन है ये खराब हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो जब रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो आमतौर पर ये कहता है कि भाई इस फैन का जो है वो सेल कमजोर हो गया, वो सेल नहीं है, या उसको क्या बोलेंगे कंडेंसर। यानी कि जो मिस्त्री देसी भाषा में उसको सेल कह रहा है, सेल जो है डाउन हो गया है, सेल को बदलना पड़ेगा जिससे फैन की स्पीड कम हो गई है, तो वो सेल नहीं है, वो एक तरह से कैपेसिटर है या कंडेंसर, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज। तो ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा, पानी वाली जो मोटर होती है उसके ऊपर भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा होता है। अगर उस पर नहीं देख पाए तो आप इलेक्ट्रिकल फैन सभी के घरों में है, मेरे भी बहुत से फैन हैं लेकिन सभी छत पे लटके हुए हैं। तो वो छत पे लटका हुआ जो इलेक्ट्रिकल फैन है उसके ऊपर आप एक छोटा सा सिलेंड्रिकल बॉक्स यानी कि सिलेंड्रिकल बॉक्स आपको दिखाई देगा। वो किसी मेटल का हो सकता है या ऊपर से प्लास्टिक कवर हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, वो क्या है, वो कंडेंसर है या कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लुक्स में होते हैं और ये इनका पर्पज होता है स्टार्टिंग में जब उस डिवाइस को एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत होती है अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये एडिशनल चार्ज जो उनके अंदर स्टोर है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वही चीज है कैपेसिटर और कंडेंसर। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन लिख दी है, अब मैं आपको कुछ कैपेसिटर में आपको दिखाता हूं। देखिए घरों में एलईडी बल्ब होता है, उसका मैंने सर्किट जो एलईडी खराब हो गई, एलईडी बल्ब खराब हो गया, डैमेज हो गया, जो ऑन नहीं हो रहा था, उसका मैंने सर्किट निकाल लिया है। ये भी एक दूसरी एलईडी का सर्किट है और इसी तरह से जो एलईडी बल्ब से पहले हम सीएफएल यूज कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, सीएफएल का सर्किट मैंने निकाला हुआ है। तो इनमें मैं दिखाता हूं कैपेसिटर कहां लगा हुआ है यानी कंडेंसर कहां है, जिसकी कैपेसिटर देखिए इससे पहले हमने कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ी, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जिसमें से चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, वो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। कुछ कम चार्ज स्टोर कर पाए, कुछ ज्यादा, अलग अलग की अलग अलग एबिलिटी होती है, लेकिन उनको हम स्पेशल फंक्शन में यूज नहीं कर सकते कंडक्टर को फॉर एडिशनल चार्ज। इसीलिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट बनानी पड़ी चार्ज को स्टोर करने के लिए, जहां पे जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस डिवाइस को एडिशनल चार्ज की जरूरत पड़े उसके साथ हम ये कैपेसिटर या वो अरेंजमेंट जोड़ दें जिसको हम कैपेसिटर या कंडेंसर कह रहे हैं। तो यहां पे मैं इस एलईडी बल्ब और सीएफएल बल्ब के सर्किट में आपको दिखा रहा हूं कैपेसिटर। देखिए ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, दो लेग हैं यानी कि ये दो प्लेट से कनेक्शन, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होगी एक नेगेटिव प्लेट होगी, कनेक्शन निकाले गए हैं, ये जुड़ा हुआ है। अब इस पे नंबरिंग यानी कि इस कैपेसिटर ये चार्ज स्टोर कर रहा है,
तो इसकी भी अपनी कैपेसिटेंस होगी या कैपेसिटी होगी, और उसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक हम पढ़ चुके हैं फैराड। तो फैराड बताया था बिगर यूनिट है, अर्थ की कैपेसिटी हमने फाइंड आउट करी थी पिछले वीडियो में जो 711 माइक्रोफैराड आई थी, इसका मतलब अर्थ इतनी बड़ी है उसकी कैपेसिटेंस भी एक फैराड का बहुत छोटा हिस्सा है। तो ये जो प्रैक्टिकल यूज में कैपेसिटर होंगे उनकी कैपेसिटेंस भी माइक्रो ऑर्डर में होती है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर दिखा रहा हूं मैं एलईडी बल्ब का, इस पे लिखा हुआ है यहां पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 100 वॉट 100 माइक्रोफेरा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वॉट तक का इसको चाहिए, और इसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेरा, आपको दिख रहा होगा 100 माइक्रोफेरा, ठीक है, यानी कि 100 × 10⁻⁶, तो ये इसकी कैपेसिटेंस क्या हुई 10⁻⁴ फैराड, ठीक है, फैराड का बहुत ही स्मॉल हिस्सा। ये दूसरी एलईडी बल्ब का सर्किट है, इसमें भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये रहा इसकी ब्रांडिंग, कुछ नाम है साइनकॉन, और इसकी अलग कैपेसिटेंस है, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 °C से 105 °C पे ऑपरेट होगा, यानी कि इस टेम्परेचर रेंज में ये काम करेगा। इसकी कैपेसिटेंस आप देख पा रहे हैं, देखिए 120 माइक्रोफेराड। CFL के सर्किट में दिखाता हूँ, CFL का सर्किट ये रहा, CFL की ये जो कनेक्शन तोड़े मैंने, और इसमें ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी भी दो लेग है, ये ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई गई है, तो ये अलग तरह का कैपेसिटर, इसकी अलग कैपेसिटेंस है, अलग इसका ब्रांडिंग है, IC नाम लिखा हुआ है, और इसकी कैपेसिटेंस भी कुछ अलग है, ये 450 वोल्ट तक ऑपरेट होगा और 3.3 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस। ये तो बात हुई कैपेसिटर देखने और दिखाने की, अलग अलग तरह के कैपेसिटर होते हैं, आप अपने घर में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये देख सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया इलेक्ट्रिकल फैन जो आपके रूम में लगा हुआ है उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल बॉक्स एक दिख रहा है, उसकी अलग कैपेसिटेंस होगी, आप पढ़ के देखिएगा, देखिएगा हम कि कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग ए कैपेसिटर। किस सिद्धांत पर ये बनाया गया है, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर दो लाइनों में हम इसका प्रिंसिपल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख पाएंगे, पहले समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले बताया कि हमने एक कंडक्टर लिया, अब यहां पे फिर मैं क्लियर करता हूं, कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, वो कंडक्टर वायर हो सकती है, मेटलिक सीट हो सकती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटी और कैपेसिटेंस कहलाता है। यहां पे हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर एक डिवाइस है, स्पेशल अरेंजमेंट है चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है, तो कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, इसलिए इसकी भी चार्ज एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है, तो यानी कि इसकी भी कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है, कैपेसिटर एक डिवाइस है चार्ज को स्टोर करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर लिया, इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है, इंसुलेटेड स्टैंड पे इसलिए ताकि इसके ऊपर जब चार्ज हम दें तो वो कहीं अर्थ में या दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है, उनसे चार्ज फ्लो ना हो जाए, इसके ऊपर ही रहे, तो ये आपको एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक शीट भी हो सकती है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट हो, स्क्वायर शीट हो, और उसका प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड इस तरह से खड़ी कर रखी, तो उसके सामने की किनारी आपको दिखाई दे रही है, इसके अक्रॉस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होने का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ। तो अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, मान लिया किसी इंस्टेंट पे क्यू चार्ज इस पे स्टोर था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल इसके अक्रॉस बढ़ाया इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होता गया, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन दिस कनेक्टर गो ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो एक स्टेज आ जाएगी
तब ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा। उससे फर्दर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करेंगे तो इसके नियर बाय सराउंडिंग मीडियम जो भी जैसे एयर में रखा है तो एयर के ऊपर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अब उससे ज्यादा चार्ज हम इस पे स्टोर नहीं करवा पाएंगे। तो और क्या करें, अब लीकेज भी ना हो, इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाए, तो उसके लिए क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर, इसी तरह का एक अनचार्ज कंडक्टर जो इंसुलेटेड स्टैंड पे ही है, ऐसे दिखा रहे हैं, अनचार्ज है, अनचार्ज कंडक्टर को नियर बाय इसके लेके आए, तो जैसे ही लेके आएंगे इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इसके दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हम पहले यूनिट के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक कंडक्टर लिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज स्टोर करवाया, मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लिया। उसके बाद हम एक अनचार्ज कंडक्टर इसके नियर बाय लेके आए हैं, उससे इस लेके आए इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया है। इसके नजदीक वाली साइड जो इस साइड है उधर नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट साइड है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मान लीजिए ये कंडक्टर ए था, ये कंडक्टर बी है, तो ये बी कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज है ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल जोड़ेंगे तो आपस में डिफरेंस हो रहा है, तो एक तरह से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है लेकिन नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज इज मच क्लोजर देन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बी, सो ओवरऑल There is decrease in potential of A। ठीक है, इस A कनेक्टर का पोटेंशियल ओवरऑल डिक्रीज हो गया है। तो अब क्या करें, अब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है तो फिर से पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है इसके अक्रॉस बैटरी की हेल्प से वो बढ़ा देंगे, वो बढ़ाएंगे तो फिर से ज्यादा चार्ज स्टोर इस पे हो जाएगा। अब फिर वही मैक्सिमम लिमिट पहुंच गई, उससे आगे वो लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो क्या करें, इसकी कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो अब क्या करें, अब हमने क्या किया, ये जो बी कंडक्टर था इसके नियर बाय लाए थे, इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया था नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड है इसको मैंने अर्थ कर दिया, यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इस साइड को, जिससे क्या हो जाएगा, ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अर्थ बोलेंगे या ग्राउंडेड बोलेंगे, जिससे सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ, नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कनेक्टर ए। अब हमने क्या पाया कि यहां पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, नेगेटिव चार्ज घटा रहा था पोटेंशियल को, अब वो बढ़ाने वाला फैक्टर तो खत्म क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज ऑफ बी क्या करेगा, पोटेंशियल ऑफ ए को मच एक्सटेंट, ज्यादा एक्सटेंट तक डिक्रीज करे। तो अब फिर से पोटेंशियल घट गया है, तो पोटेंशियल फिर अप्लाइड पोटेंशियल इसके अक्रॉस था वो फिर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उससे इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, जितना चार्ज इस पे ज्यादा स्टोर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस होता जाएगा। तो ये मेथड है, प्रिंसिपल है फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर। तो ये बिल्कुल सिंपल, मैंने तीन स्टेप हैं, सबसे पहले कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने कंडक्टर लिया, उसको बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज किया, फिर एक अनचार्ज कंडक्टर इसके नियर बाय लेके आए, उससे चार्ज इंड्यूस हुआ, फिर उससे पोटेंशियल घट गया और आर इसका पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ा के फिर से ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया। फिर हमने तीसरे स्टेप में क्या कर दिया, जो नियर बाय कनेक्टर था बी उसकी जो अपोजिट साइड थी उसको अर्थ कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, इससे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया, नेगेटिव चार्ज पहले से ज्यादा पोटेंशियल को डिक्रीज कर पाएगा, फिर से अप्लाइड वोल्टेज यानी पोटेंशियल को बढ़ा के ज्यादा चार्ज इस पे स्टोर कर पाएंगे, उतना ही चार्ज नेगेटिव इस बी पे इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज द मेथड और दिस इज द वे ऑफ मेकिंग ए कैपेसिटर। अब इसको लिखते हैं हम दो लाइनों में, तो यहां पे हमने लिखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली और कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर।
हमने क्या किया, जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरह से इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर किया, उसी को दो लाइनों में लिख दिया है, ये प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग ए कैपेसिटर। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब आप कैपेसिटर के बारे में जान गए होंगे, कैपेसिटर में दो कंडक्टर होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, उनके बीच कुछ सेपरेशन होगी, बीच में उस गैप में कोई भी इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, एयर या कोई और मीडियम हो सकता है। तो यहां से आपके माइंड में कैपेसिटर के लिए एक पिक्चर बन गई होगी कि उसमें दो कंडक्टर होंगे, ठीक है, एक को चार्ज किया इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख के, दूसरे को उसके नियर बाय लाए, उसको अर्थ कर रखा था तो उस पे ऑटोमेटिकली अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया था। ये जो अरेंजमेंट है जो चार्ज स्टोर कर गई है इसको ही कैपेसिटर बोलते हैं। आप कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो दो कंडक्टर यूज हुए हैं जिन पे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज है वो किस शेप के हैं। अगर वो प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, यानी कि रेक्टेंगुलर या प्लेन सीट है, स्क्वायर शेप हो सकती है या प्लेन शीट की फॉर्म में है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। अगर वही कंडक्टर सिलेंड्रिकल है, कोएक्सियल को एक्सियल को सेंट्रिक, अगर वो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, तो वही कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा। अगर वो कंडक्टर स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल सेल है, कोसेंट्रिक है एक दूसरे के अंदर, ऐसे एक बड़े रेडियस के स्फीयर के अंदर दूसरा समान रेडियस का स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल सेल, तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये दो कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, उनकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उनकी कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ गए कि क्या है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी कैपेसिटर हमने समझा, उसका प्रिंसिपल समझा, तो उसमें मैंने बताया था इस तरह से प्लेन शीट हो सकती है, रेक्टेंगुलर शीट मैंने ले रखी है, तो ये इंसुलेटेड स्टैंड पे थी ऐसे, तो सामने से आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है, और इसके नियर बाय एक आर्थड अनचार्ज कंडक्टर लेके आए थे, दूसरी शीट लेके आए थे, वो इसके पैरेलल खड़ी करी थी, तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, इस साइड को हमने ग्राउंडेड कर रखा था, तो इस तरह से ये ऐसे खड़ी है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पैरेलल हैं, कुछ दूरी पे रखी गई हैं, बीच में एयर या कोई दूसरा डायलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं, अगर कंडक्टिंग मीडियम रख दिया तो ये एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे, चार्ज स्टोर हो ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो ये इस तरह से दो प्लेन शीट, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कैपेसिटर ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। समझ में आ गई होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल हमने रखा हुआ है। प्रैक्टिकल सर्किट अगर कोई दिखाए वहां पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए एक सिंबल का यूज करेंगे हम, जिस तरह से आपने लोअर क्लास 10th में पढ़ा था कि किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है, बल्ब लगा होता है तो बल्ब का एक सिंबल होता है, एमीटर लगाए तो उसका भी अपना एक सिंबल होता है, तो प्रैक्टिकल सर्किट में इस कैपेसिटर के लिए भी एक सिंबल बताया गया है। क्या है वो सिंबल, देखिए, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, यानी वो कैपेसिटर चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो चाहे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, सभी के लिए सिंबल एक ही रखा जाएगा। देखिए इसमें बताया दो कंडक्टर होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से हमने ये कनेक्शन निकाल रखे हैं, वो दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल दिखाए हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना हो, कि हर एक टाइप के कैपेसिटर के लिए सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर व्हिच कैपेसिटेंस सी, जो फिक्स्ड है यानी कि कांस्टेंट है, क्लियर। अगर ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसके लिए सिंबल ये हो जाएगा, यानी इस कैपेसिटर के सिंबल के ऊपर ही अगर एरो मैं पुट कर दूंगा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है जो सी कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं वो चेंज हो सकती है। अगर इसके ऊपर एरो नहीं है, इस तरह का सिंबल है, तो ये वो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो आप देखिए सिंबल के बाद बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैंने दो प्लेन सीट एक दूसरे के पैरेलल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, कुछ दूरी पे रखी है। इस प्लेट्स का एरिया ए है, दोनों प्लेट्स का
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इनके बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो डी है, स्मॉल डी। ठीक है, जैसा मैंने दिखाया था कि ये पैरेलल प्लेट के बैठे हैं, जो एक पॉजिटिव चार्ज सीट और एक नेगेटिव चार्ज सीट, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, दोनों का इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ये लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दूसरी सी। दोनों को एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखा है। एक्चुअल में दिखाया तो जो अभी प्रिंसिपल पढ़ा क्या था, इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ दिखा सकते हैं हम इस तरह से। ये इंसुलेटेड स्टैंड था और इसको अर्थ किया हुआ था। ये है एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बार बार हम ये ना दिखाएं क्योंकि हम इसके प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, ना भी दिखाएं तो भी गलत नहीं मान रहे, लेकिन आपके माइंड में एक क्लियर होना चाहिए कि ये इस तरह से बनाया गया है, एक कंडक्टर को यानी सीट को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया है, दूसरा जो नियर बाई लेके आया था वो अर्थ है। ठीक है, तब जाके एक पे पॉजिटिव दिया था, दूसरे पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया था चार्ज। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ए बता दिया, दोनों के बीच की दूरी डी है। मान लीजिए दोनों के बीच में एयर है, एक डायरेक्ट मीडियम, कोई और मीडियम भी हो सकता है, एयर हो सकता है, या मान लीजिए कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम। तो यहां पे लेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, स्मॉल डी, डिस्टेंस या सेपरेशन कह सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है, एंड एयर और वैक्यूम इज देयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ये चीजें हम लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, दो एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज सीट से नेगेटिव चार्ज सीट की तरफ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होगा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हम पिछले चैप्टर के अंदर डाइव कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आपको वो यहाँ ऊपर स्क्रीन को टच करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखें। तभी मैं कहता हूं कि फिजिक्स के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, इंटरलेटेड होते हैं, अगर आपने बीच में एक या दो भी मिस कर दिए तो उससे अगले टॉपिक में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पिछले की जरूरत होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप रेगुलर सारे के सारे वीडियो देखें। तो इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम और एयर। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर नेट एरिया। मान लीजिए कि इन प्लेट्स के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, ये भी आप लेके चल सकते हैं, लेट प्लस माइनस क्यू बी द चार्जेज ऑन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज हमने क्यू लिया है, एरिया इस प्लेट्स का ए लिया है, क्यू अपॉन ए सिग्मा है, तो वो सिग्मा के लिए यहां पुट करूंगा क्यू बाई ए, और ये एप्सिलॉन नॉट यहां पे ऑलरेडी था। तो इतना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, तो आप देखिए हम देखना चाहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इन दोनों प्लेट के बीच में। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए V, मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर V मे बी रिटन एज E नॉट इनटू D। ये कांसेप्ट भी पीछे से आया है, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, वो आई थी E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम V लेके चले मान रहे हैं, दोनों के बीच सेपरेशन वो d है, तो E जो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, वो लिखा जा सकता है E नॉट इज इक्वल टू V अपॉन d। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा E नॉट इनटू d। E नॉट मैंने ये लिखा हुआ है, ये E नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे Q by epsilon not A और into में D। तो ये मेरे पास आगे वैसे
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये कैपेसिटी जहां से शुरू करी थी चैप्टर, वहां पे हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, तो मान लेते हैं इस कैपेसिटी की कैपेसिटेंस है सी, तो यहां से सी क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज हमने क्यू लेके चला, वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया, क्यू बी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहां क्यू से क्यू कट जाएगा, ये पलट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बन। तो इस तरह से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। यार ये कैपेसिटेंस कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर, बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिक फार्मूला होता है किसी भी कैपेसिटी का या कैपेसिटेंस का। यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल रहे थे तो उसकी कैपेसिटेंस आ गई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इट मीन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कैपेसिटेंस इसकी प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करेगी। जितना लार्ज एरिया होगा कैपेसिटेंस उतनी ही लार्ज होगी, एरिया स्मॉल है तो कैपेसिटेंस भी स्मॉल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितनी ये दूरी कम होगी यानी प्लेट्स नजदीक होंगी डी स्मॉल होगी तो कैपेसिटेंस लार्ज होगी, एंड वाइस वर्सा अगर वो दूर होंगी ज्यादा डिस्टेंस लार्ज है तो कैपेसिटेंस स्मॉल होगी। इट मीन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, यानी उसकी एरिया और प्लेट्स की सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशन कह सकते हैं इसको। उसके साथ साथ देखिए एप्सिलॉन यहाँ आया हुआ है, एप्सिलॉन मींस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है, उस क्योंकि डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, तो उस मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो तीन फैक्टर हैं, एरिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एज वेल एज द नेचर ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। इन तीन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि अगर एयर की जगह कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम दूसरा डाल दिया, जैसे वाटर है या कोई और मीडियम यहाँ पे होता दोनों प्लेट्स के बीच में, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती। देखिए इसी में एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा। जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिनकी प्लेट्स का एरिया ए था, उनके बीच की सेपरेशन डी थी, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम था, एयर या वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन, तब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करी जो अभी करी थी, उस एयर या वैक्यूम फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी नॉट। सी नॉट एयर के लिए मैंने नोट लगा दिया, सर्कल लगा दिया, जो आया था एप्सिलॉन ए बाई डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मैं कह रहा हूं कि यही कैपेसिटर यानी कि इसकी प्लेट्स का एरिया वही ए लिया, डी सेपरेशन पे ही है, लेकिन अब इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज भी उतना ही है प्लस माइनस क्यू, दोनों प्लेट के बीच में और एयर की जगह कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो इसकी कैपेसिटेंस ये लिख दिया मैंने, देयर इज ए डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी, वो सी मैंने सिंबल दे दिया, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, एरिया ऑफ प्लेट्स उतना ही है, उनके बीच की सेपरेशन उतनी ही है, सिर्फ एप्सिलॉन अगर एयर या वैक्यूम थी, अगर मीडियम आ गया तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दी, तब उसकी कैपेसिटेंस ये हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या आएगा सी अपॉन सी नॉट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सी बाई सी नॉट, 2 को 1 से भाग देने पर एप्सिलॉन ए बाई डी डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एप्सिलॉन ए बाई डी, तो ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा। और ये भी हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम ऑफ एयर, ये रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहलाएगा ये, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं।
किसका हो गया डेल्टा की कॉन्स्टेंट, उस मीडियम का होगा जो एयर की जगह अब दोनों प्लेट के बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहां से C अपॉन C नॉट इक्वल टू K आ गया, तो ये नया कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स C नॉट। C नॉट का मतलब उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब एयर फील्ड था उसका K टाइम्स, यानी जो मीडियम डाला उसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट K, K टाइम्स हो जाएगा अगर एयर को मैंने उस मीडियम से रिप्लेस कर दिया। तो हम कहेंगे कि अगर एयर वैक्यूम की जगह कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट K है, तो उसकी नई कैपेसिटेंस K टाइम्स डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट टाइम्स C नॉट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी, उतनी गुना हो जाएगी। ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एयर फील्ड कैपेसिटर है हमारे पास, एयर फील्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरा, और अब कह दिया कि कोई डायरेक्टिव मीडियम जिसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट 5 है वो दोनों प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी नई कैपेसिटेंस क्या होगी, तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, K टाइम्स C नॉट। एयर फील्ड था तो ये C नॉट 5 माइक्रोफेरा, और अब मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट K की वैल्यू 5 दे रखी है, कितना हो जाएगा 5, और C नॉट था 5 माइक्रो, ये कितना हो गया 25 माइक्रोफेरा। ठीक है, और अगर उल्टा करें कि कोई कैपेसिटर था डायलेक्ट्रिक मीडियम को लिए हुए जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 5 थी, उसकी कैपेसिटेंस अगर 5 है, अब उस डायलेक्ट्रिक मीडियम की जगह एयर या वैक्यूम कर दिया जाए, तो उसकी नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 1/k × C, यानी के 1/5 और 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफेराड आ गई। तो समझ गए इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पूरे वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखें, नया कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।